गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट स्टार्ट आर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, यहाँ से स्टार्ट करना है। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना है हमने फॉरेस्ट को, और उसके अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। वी शुड टेक स्टेप्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट। ये हमने पता है कि क्यों फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है। द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिवर्स्ड बाय द एफॉरेस्टेशन और द रिफॉरेस्टेशन। जो एडवर्स इफेक्ट आए हैं डिफॉरेस्टेशन के, मतलब जो बड़े लेवल पे फॉरेस्ट की कटिंग हुई है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कैसे? एफॉरेस्टेशन से, कि अगेन हम इतने ट्रीज़ को प्लांट करें, उसको रिफॉरेस्टेशन पे बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिन्यूइंग अ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज। जो स्पीसीज के प्लांट्स काटे थे, ट्रीज कट करे थे, वो ही हम वहाँ पे प्लांट कर दें। रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस नेचुरली, ये नेचुरली भी हो जाता है अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। इफ डिफॉरेस्टेड लैंड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, द फॉरेस्ट रीजनरेट ऑन इट्स ऑन, तो अपने आप रीजनरेट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट द फैलिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, उसको हम काटना छोड़ दें। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, अगर कोई फॉरेस्ट फायर लग गई है तो उसको पहले बचाएं, और अगर लग गई है तो उसका ट्रीटमेंट भी करें। प्लांट ट्रीज इन बैरन एरियाज, जो खाली एरियाज हैं वहाँ पर प्लांट करें ट्रीज को। प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम द पेस्ट एंड द डिजीजेज, कोई कीड़े लग जाते हैं, कोई डिजीज़ हो जाती है, उससे ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करें। एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्रीज़, और कोई इन्फेक्टेड ट्रीज़ है उनको वहाँ से हटाएं, क्योंकि एक से दूसरे में भी स्प्रेड हो जाता है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब कैटल्स वहाँ जाके ग्रेज ना करें, चरे नहीं, तो उससे फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर हमको पता है कि ट्रीज़ की कटिंग से बनता है, तो इतना सारा पेपर आता है तो उसको रिसाइकल करें, वापस उसको यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि और पेपर चाहिए तो ट्रीज़ को कट करें। इट टेक्स एन एस्टिमेटेड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर को बनाने के लिए पूरे बड़े ग्रोन 17 ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अप टू 7 टाइम्स, जो पेपर है वो 7 टाइम तक रिसाइकल हो सकता है, तो उसको वेस्ट ना करें, रिसाइकल करें। Recycling paper would save trees from being cut and would also save water, electricity that is required to manufacture paper. तो indirectly हम बहुत सारी चीज़ों को save कर लेंगे, electricity को save कर लेंगे, water को save कर लेंगे, trees को तो save करेंगे ही करेंगे। It would also reduce the use of harmful polluting chemicals that is are used in manufacturing पेपर। पेपर को यूज़ करने के लिए केमिकल्स का यूज़ होता है, तो उससे जो पोल्यूट नहीं होगा, केमिकल पानी में नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा। वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, उनका जो हैबिटेट है डिफॉरेस्ट उनको ना करें। टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड ओशन, पॉल्यूशन को कम करें, ओशन में भी पॉल्यूशन जाता है ना, वेस्ट जाता है, तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं, फॉरेस्ट में पोल्यूशन है तो भी दिक्कत होगी। तो प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओशंस, इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कि जो एंडेंजर हो गए एनिमल्स उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएँ और उसको फॉलो भी किया जाए, कि जो इलीगली हंटिंग करता है। प्रिवेंट पोइचिंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट्स, इसी तरीके से कि वो हंट ना करें इलीगली और उनकी ट्रेडिंग ना करें एनिमल्स के पार्ट्स को, जैसे कि जो टस्क होते हैं एलिफेंट के, उसकी ट्रेडिंग होती है जिसकी वजह से एलिफेंट्स को मारा जाता है। तो प्रिवेंट पोचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट्स। प्रोटेक्ट माइग्रेशन रूट्स, एक जगह से दूसरी जगह जैसे एलिफेंट्स जाते हैं, हमने कॉरिडोर रूट पढ़ा था, तो उन रूट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखा जाए। एंड द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स areas that connect wildlife population and allow wild animals to move from one place to another safely. Next is encourage ecosystem through nature camps. मतलब लोगों को ये दिखाया जाए, समझाया जाए, encourage किया जाए eco tourism को, जिससे कि nature camps में जाएं लोग। Conduct periodic survey of the forest to have updated information about the population of animal and plant species. पीरियोडिक सर्वे किया जाए कि जो स्पीसीज थी
अभी वो अच्छे से है या नहीं, इन्फॉर्मेशन अपडेट करी जाए। प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ के लिए अवेयरनेस भी प्रमोट की जाए, लोगों को बताया जाए। मेक द लोकल पीपल अवेयर अबाउट द कॉजेज एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आसपास के जो लोग हैं उनको अवेयर कराया जाए कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो क्या दिक्कतें आएंगी, एंड वेज टू रेमेडी द प्रॉब्लम, और उसको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ना कंजर्वेशन लॉज है हमारे यहाँ पे बहुत सारे, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड लॉज विच इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ आर फॉरेस्ट वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो लॉज है वो इंश्योर किए हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कब लॉन्च हुआ था, 1927 में। एंड द इंडिया एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980। ये दोनों जो लॉज हैं आर लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट की लैंड को भी सेव किया जाए और रिसोर्सेज को भी। वाइल द फर्स्ट एक्ट डिफाइंड एज थ्री कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट, फर्स्ट में थ्री कैटेगरीज आती है। द सेकेंड एक्ट एम्स एट चेकिंग डिफॉरेस्टेशन कॉज बाय द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो ये देखता है कि जो फॉरेस्ट के लिए लैंड है उसको कन्वर्ट ना किया जाए इंटू नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था, 1972, क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और ये लॉन्च हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ताकि जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं उनको कंजर्व किया जाए। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एंड द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे गाइडलाइन लिखी गई हैं जिसमें गवर्नमेंट के लिए, ताकि हमें एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंजर्वेशन की, देर आर मैनी गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वो गवर्नमेंट भी हैं और नॉन गवर्नमेंट भी हैं। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वॉज फाउंडेड इन 1961, एक वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड का फंड बनाया गया नेचर का 1961 में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग इन ओवर 100 कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 100 कंट्रीज में वर्क करती है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट, ताकि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। द ओसेना इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ओशियन, ये जो ओसेना है ये इंटरनेशनल ओशियन कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ फिश पॉपुलेशंस, मरीन मैमल्स एंड द अदर सी लाइफ ड्यू टू द कमर्शियल फिशिंग एंड पॉल्यूशन। इनका एम क्या है, जो कि वाइल्ड नहीं, जो कि ओशन के अंदर जो भी फिशेस हैं या फिर जो मैमल्स हैं और जो सी लाइफ है वो इफ़ेक्ट ना हो। क्यों इफ़ेक्ट होती है वो, क्योंकि कमर्शियली फ़िशिंग होती है, फिशेस को पकड़ के एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो कमर्शियली यूज़ करते हैं, पोल्यूशन की वजह से उनको लॉस ना हो, ये तो ये वो देखते हैं। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फाउंडेड इन 1883 इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो इंडिया में हमारे अंदर क्या है, लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन्वॉल्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, कंजर्व भी करती है और रिसर्च भी करती है। द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वर्क्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स टू सिक्योर इंडियाज नेचुरल हेरिटेज, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है वो कंजर्व करके रखती है वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट्स को, जहाँ पे वो नॉर्मली नेचुरली रहते हैं, सिक्योर इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, और इससे ये किसके साथ काम करते हैं, जो गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ हैं जो नॉन गवर्नमेंट है उसके साथ काम करते हैं, ताकि ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में कन्फ्लिक्ट ना हो। अंडरटेक्स प्रोजेक्ट्स टू रिकवर द पॉपुलेशन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, और प्रोटेक्ट करते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन को, ये प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अ माइग्रेशन। तो आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें, आपको लगेगा इज इट द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एंड देन बैक अगेन टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? बहुत लंबे स्केल में, ऐसे नहीं है एक दो लाख मिलियंस एनिमल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं और वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे आ जाते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं माइग्रेशन। अब इतना मूवमेंट वो करते क्यों हैं इतने सारे? द एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट में अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, वहाँ पे उनको खाने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो वो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं जो वार्मर होता है, फिर वहाँ पे स्पेंड करके टाइम जो जो उनके ओरिजिनल जो एरिया था जहाँ पे ठंड हो गई थी, जब वहाँ पे वार्म समर्स आती हैं, ठीक है, सीज़न आता है, तो वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में आ जाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो माइग्रेट टू द वार्मर लैंड्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग एंड विंटर सीजन। तो वो वार्मर पे आ जाते हैं लैंड्स पे जब उनको ब्रीड करना होता है, और विंटर सीजन पे वो क्या कर लेते हैं? माइग्रेट कर लेते हैं। हाउएवर माइग्रेटरी एनिमल फेस अ ग्रोइंग नंबर ऑफ थ्रेट्स। अब जो माइग्रेट कर रहे हैं बहुत ईजी नहीं होता, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है, एक्सप्लॉयट कर लिया जाता है, डिजीज़ बीमारियाँ हो जाती हैं, एंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जब वो वापस आते हैं तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो भी हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर नेचुरल इवेंट इन द एनुअल वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन इन द मसाई मारा रिजर्व इन केनिया। या फोटो में देखोगे वाइल्ड बीस्ट है, देखो इतने सारे हैं, ये कहाँ पर है? केनिया में। माइग्रेशन इन द मसाई मारा रिजर्व इन केनिया अराउंड जुलाई, अ मैमथ हर्ड ऑफ मोर देन अ मिलियन वाइल्ड बीस्ट। तो वो 1 मिलियन से ज़्यादा जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। 5 लाख गैजल्स एंड द 2 लाख ज़ेब्रा ट्रैक कितना ट्रैवल करते हैं? 2700 किलोमीटर फ्रॉम द सेरेंगेटी टेंजेनिया अक्रॉस द बॉर्डर इन टू द रेनफेड रीजन ऑफ द मारा रिवर। वो उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, मारा रिवर को। बाय अक्टूबर द एनिमल रिवर्स द प्रोसेस। और जुलाई में तो जाते हैं और अक्टूबर में वापस आते हैं, मेकिंग देयर बैक टू द सेरेंगेटी। देखो कितना ट्रैवल करते हैं। अमंग द बर्ड्स द आर्कटिक टर्न इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन। बर्ड्स में जो आर्कटिक टर्न है वो माइग्रेट करते हैं। ईच ईयर इट फ्लाइज फ्रॉम इट्स आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड टू द एंटार्कटिक, आर्कटिक से एंटार्कटिक एंड बैक अगेन, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 19,000 किलोमीटर। दैट इज सो लार्ज, है ना, कितना बड़ा अमाउंट वो है नंबर, 19,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं। द साइबेरियन क्रेन हिस्टोरिकली विजिटेड द कियोलेडियो घना नेशनल पार्क राजस्थान इन विंटर ईच ईयर। जो साइबेरियन क्रेन है वो हमारे राजस्थान में आते हैं हर साल, ठीक है, विंटर्स में। हाउ एवर द लास्ट क्रेन वर साइटेड इन 2002 एंड हैव सिंस स्टॉप्ड विजिटिंग द वेटलैंड्स, देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्रेस्टिकली। लेकिन वो जो क्रेन्स थे वो हमें लास्ट टाइम 2002 में दिखे थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है बिकॉज ऑफ हंटिंग अलॉन्ग विद देयर माइग्रेशन रूट। हंटिंग हो रही है उनके माइग्रेशन रूट पे एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इन टू एग्रीकल्चर लैंड। और वेटलैंड से जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है एग्रीकल्चर लैंड में, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सून आई विल पोस्ट नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक। थैंक यू सो मच।